land of beautiful landscapes, pure culture, amazing vibes, unforgettable moments, unparalleled beauty, infinite peace, the oldest monasteries, self-discovery, the best road trips, and a profound history. Good morning guys, it's a beautiful day. I hope you're doing well. My name is Yash Parikh. Welcome to my channel for another travel video. So we are currently at Chandigarh station. So we are heading out to the beautiful Spiti Valley. So abhi hum log Chandigarh hai and there is some relief from the heat from Ahmedabad. Bahut zyada garmi thi Ahmedabad mein and humko wahan to acha weather milne wala tha, but luckily hume yahan bhi bahut acha weather mil raha hai. So yahan pe it's been raining since morning. एक घंटा जैसा हुआ हम लोग अंबाला थे, तो अंबाला से हम यहाँ देख रहे हैं बारिश ही चल रही है. सो द वेदर इज़ रियली गुड एंड होपफुली आगे जाते और अच्छा होता जाए. सो गाइस ये ट्रिप भी मैं कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, कुछ नए फ्रेंड्स हैं, कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं. आ जाओ सबसे मिला दो. शी इज़ निकिता, विशाल, जैनिल, सैम, मेन कैरेक्टर सब जानते हैं इसको, अक्षय, तन्वी एंड शामली. तो गाइज हम लोग चंडीगढ़ स्टेशन से निकल गए हैं. हल्की हल्की बारिश चल रही है. हमारा प्लान कुछ इस तरह से रहेगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम चंडीगढ़. हम लोग जाएंगे शिमला की तरफ, शिमला से होके नारकंडा. शिमला स्टे नहीं कर रहे, सीधा हमारा नेक्स्ट स्टे होगा नारकंडा में. तो नारकंडा होके पूरी किन्नौर वैली विजिट करके देन हम स्पिटि में एंटर हो जाएंगे एंड देन पूरी सर्कुलर रूट करके वील एंड अप एट मनाली. तो ये मेरा ओवरऑल प्लान रहेगा, मतलब हमारे ग्रुप का ओवरऑल प्लान रहेगा. बट डिटेल प्लान आपको वन बाय वन ब्लॉग्स में देखने मिलेगा. तो गाइस दिस इज़ आर टेम्पो, ये हमारे साथ रहेगी अगले 9 दिनों तक. काफ़ी लंबा टूर होने वाला है ये, बट इट शुड बी अ रियली नाइस वन. क्योंकि जनरली स्पिटि में इतनी बारिश नहीं होती, हमें जो शिमला वैली मतलब किन्नौर वैली साइडों में बारिश मिलेगी, बट कम चांसेस है कि हमें स्पिटि में भी उतनी बारिश मिले. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. हमने सामान रख दिया है, काफ़ी सब सामान पीछे रखा है, बाकी सब सीटों पे रखा है. दिस इज हाउ इट लुक्स. सो स्पिटि इज ऑन. सो वी हैव सम छोले भटूरे, सम रेड ऑमलेट एंड सैम उस टेबल पे क्या है? सब पराठा, ओनली पराठा. तो हम वापस निकल गए अब टूवर्ड्स नारकंडा. मंथन हैज जॉइंड अस, अहमदाबाद में साथ में था. सैम बैठ जा. बचपन से साथ में है, अहमदाबाद वाले ट्रैक में साथ में था. भाई यूट्यूब वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता ना कि बचपन से अपने साथ में. ये हमारे ड्राइवर भैया धर्मचंद भाई पूरी ट्रिप में हमारे साथ रहेंगे. अरे कितना कितना दूर है अपना नारकंडा यहाँ से? यहाँ से 5 से 6 घंटा लग जाएगा. 5 से 6 घंटा. अपने कौन सी साइड लेके जाओगे आप रास्ते में? शिमला से होके. शिमला से होके शिमला में कहीं रुकेंगे? शिमला में आपको अगर ग्रीन वैली देखना होगा तो ग्रीन वैली देख लेना. हाँ कुफरी चलना होगा कुफरी चल पड़ना. तो सब जगह लेके ही चलना. हाँ अपने आराम से 5-6 बजे तक नारकंडा पहुँच जाए तो सही है. जहाँ आपकी इच्छा हो जाने के लिए. कैसा वेदर आगे? बारिश वारिश है? बारिश वहाँ का पता नहीं, इधर तो बारिश है, वैसे बारिश तो सब जगह हो रहा है. हाँ ठीक है भैया. अभी मेरे घर है, मेरे घर में बारिश हो रहा है उधर. आपका कहाँ है घर? मेरा घर कांगड़ा में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में. हाँ एचपी है. हाँ तो आप कितने साल से कर रहे हो ड्राइविंग? मेरे को करीब 20-21 साल हो गए. और स्पिटि कितनी बार जाते हो? स्पिटि बहुत बार. आप बताते रहे ना जो भी सब आए. काम है. चलो सही है. आप रस्ते में जो भी अच्छे अच्छे जगह है जो नॉलेज आपको जगह बता.
ऊपर अपने नेटवर्क कौन सा अच्छा आता है? ऊपर आजकल जियो चल रहा है, जियो। जियो अच्छा, 4G आ जाता है, इंटरनेट भी आता है। हाँ। पूरे रास्ते मिलेगा? पूरे में कहीं कहीं नहीं होता है, पूरे बाकी में छोड़ जाता है। हाँ, DSNL आता है पूरे में। ओके, एयरटेल BSNL भी पूरी प्रॉपर जगह नहीं आता है, आते सारे लेकिन जगह जगह पे ही, जगह जगह कहीं छोड़ देते हैं। हाँ। वहाँ से जो भी आगे रास्ते में आएगा टूवर्ड्स नारकंडा, तो प्रॉब्ली 6 घंटे का होगा। और अभी 12:30 हुए, विदाउट स्टॉपेज 6:30 तक पहुँचेंगे, पर अन्ना स्टॉप लेके जाएंगे तो हमें 7:30 जैसा हो जाएगा। तो डायरेक्टली आज तो कुछ टाइम नहीं मिलेगा, सीधा होटल पे जाके विल जस्ट गेट इन टू आवर बेड्स एंड एंड दिस डे। ये कल भी पूरी ट्रेन की जर्नी करी है, अब सीधा होटल पे जाके रिलैक्स रहेंगे। फिलहाल तो रास्ते बहुत सही है, लोग चढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। सो गाइज, वी हैव टेकन लिटल स्टॉप हियर। हम लोग शिमला जाने से पहले, आई मीन ग्रीन वैली जाने से पहले, हम लोग यहाँ रुके हैं थोड़ा खाने वाने। तो दिस प्लेस इज स्टारगेज इन, काफ़ी अच्छा सा छोटा सा एक कैफे टाइप है, एंड यहाँ पे वो सीटिंग एरिया है, एंड इज द व्यू। अच्छा लग रहा है जगह। और सैम फिर सो गया था, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, रिचार्ज। रेस्ट कर रहे हैं, मेन कैरेक्टर। It's a good place. एक वेज मैगी, एक ये रैप में पेरी पेरी पनीर रैप। तो गाइज, थोड़ा लंच हो गया, स्नैक्स टाइप ही किया सबने, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू शिमला। सो पूरा वेदर चेंज हो गया है, पूरे क्लाउड्स आ गए एंड छींटे शुरू हो गए हैं, इट्स प्रॉबेबली गोइंग टू रेन। अभी काफ़ी क्लियर था हम लोग जब पहुँचे यहाँ, अब काफ़ी क्लाउडी हो गया है, एंड वी आर डन विद दिस प्लेस। दिस वॉज अ नाइस लिटल आउटिंग, लाइक अ नाइस लिटल कैफे। चलते हैं तो आगे। मौसम बहुत सही हो चुका है, बारिश वारिश भी बंद है, क्वाइट प्लेजेंट, अच्छा ठंडा वेदर है। बाकी हम तो इधर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, ये जनरली रहता ही है शिमला सिटी का ट्रैफिक जाम है। बाकी हमारे बस में, आई मीन टेम्पो में बहुत सही सीन्स है, चिल आउट सीन्स। अक्षय अपने कॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है। जग रहा है? हाँ जग रहा हूँ। गलत गलत इन्फॉर्मेशन देख के तेरी वजह से सेकंड टेक लेना पड़ा, बोलता है चेक पोस्ट, चेक पोस्ट। थर्ड टेक प्लीज शट योर माउथ। सो जा तू, सो जा। आज का फर्स्ट, हम लोग अभी तक हमने स्टॉप नहीं लिया था, अभी पहला स्टॉप लिया है। हम कुफरी के पास है, ग्रीन वैली नाम की जगह, एंड लुक एट दिस प्लेस, जस्ट अमेजिंग, एंटायरली ग्रीन, दिस पाइन ट्रीज, पूरा पाइन ट्रीज का ऐसा शेप आ रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। सो गाइज, अभी हम लोग एक रेस्ट स्टॉप पे ही रुके हैं यहाँ पे सब फ्रेश होने के लिए। एक यहाँ पे लास्ट होटल है, उसके बाद रास्ते में कुछ नहीं आएगा, सीधा हम नारकंडा जाएंगे। सो बिफोर गोइंग अहेड विद दिस वीडियो, कुछ एक इन्फॉर्मेशन की बात है। ये जो पूरी स्पिटी की ट्रिप है वो हमारे ग्रुप ने ही प्लान करी है, देर इज़ नो ट्रैवल एजेंसी और एनी अदर पार्टीज इन्वॉल्व। सो ये जो हमारा टेम्पो है वो हमने हिमाचल कार रेंटल सर्विस से हमने बुक कराया है। सो दे गेव इट एट अ वेरी गुड प्राइस, हमें 55,000 में पूरा 9 days का मिला है। तो इसमें से पार्शियल पेमेंट हम लोग हिमाचल कैब सर्विस को करते हैं, और बाकी का पेमेंट हम ड्राइवर को इन कैश करते हैं, जो कि ड्राइवर के
काम आएगा वाइल ऑन द ट्रिप, बिकॉज ही इज ऑल्सो गोइंग टू स्टे एट ऑल द प्लेसेज वेयर वी आर गोइंग टू स्टे. तो इस तरह का ये है, मैं हिमाचल कार रेंटल सर्विस की डिटेल्स विद वेबसाइट एंड नंबर आपको साथ शेयर कर दूंगा. एंड जो उनके कोऑर्डिनेटर, उनका नाम पंकज सर है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट दैम. उनकी सर्विस अभी तक तो, हमारा डे वन ही है, अभी तक तो काफ़ी अच्छी है. एंड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप मैं आपको और बताऊंगा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा. एंड आगे जाते मैं जो होटल्स हैं जहाँ जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं उसकी भी डिटेल्स अच्छे से दूंगा इस बार. भैया क्या मोमोज जैसा होता है? इडली है. किस तरह का होता है? जनाब ये यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, होटल वेज है और स्टीम से तैयार करते हैं. एक प्लेट करना? हाँ एक प्लेट करो पहले. और चाय करना? बड़े भाई आ जाओ, लग गया सीटू, मैं चली गई कहीं और यहाँ. हेलो इधर सनसेट बहुत लेट होता है. इट इज 6:45 PM एंड अभी भी वहाँ पे धूप है. मस्त लग रहा है, अमेजिंग व्यू. अभी भी पूरा सन है. भैया कितने बजे होता है यहाँ पे सनसेट? शाम के 7:30 के करीब होने लगता है. कितने बजे? शाम के 7:30. 7:30 के बाद? ऊपर हमारे वहाँ जल्दी हो जाता है, इतनी गर्मी है फिर भी, और इतना अच्छा मौसम है फिर भी हमें सनसेट लेट होता है. फिर आगे आगे होगा, फिर आगे और लेट होगा. नहीं आगे तो फिर हो जाएगा, जैसे सब्जी के टाइम पे हो जाता है 6 बजे. हाँ गाइज, हम पहुंच गए हमारे नारकंडा के स्टे पे. सो एक्चुअली ये नारकंडा नहीं एग्जैक्टली, ये शिलारू है जो कि 12-13 किलोमीटर पहले आता है नारकंडा से. इधर से ऊपर चढ़ के जाएंगे और सामने व्यू कुछ इस तरह का है. सो गाइज, वी आर स्टेइंग एट दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड गाड़ेगल होम स्टे. हमने दो सिंगल कॉटेज रूम कराया और एक डुप्लेक्स रूम कराया. तो मैं आपको सिंगल कॉटेज रूम पहले दिखा देता हूँ. दिस आर क्वाइट गुड रूम्स. चलेगा चलेगा, कॉन्शियस मत हो. नहीं थके हुए बैठे हैं कब से. बैठो बैठो यार, थक गए, पूरा दिन हो गया अपने को. दिस इज द बालकनी. सुबह कुछ अच्छा व्यू देखने मिलने वाला है. अभी तो सब डार्क है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे. ये हाईवे है मेन और ये पूरी नारकंडा सिटी है. आई नो कुछ नहीं दिख रहा होगा. बाकी चलते हैं, दूसरा रूम दिखाता हूँ. दूसरा रूम यहाँ से स्टेयर्स से ऊपर है. अभी सेट है और म्यूजिक मस्त चल रही है. ये कॉमन एरिया है दोनों डुप्लेक्स रूम्स के बीच में, डाइनिंग काइंड ऑफ थिंग. ये डुप्लेक्स रूम है. सो ये नीचे का फ्लोर है. लुक्स सो कंफर्टेबल, अच्छा है, कोजी कोजी, एवरीथिंग इज वुडन. एंड ये ऊपर का पार्ट है जहाँ पे वी ओनली हैव द बेड, बट इट लुक्स सुपर कम्फर्टेबल. तो चलते हैं बाहर. यहाँ की बालकनी थोड़ी बेटर है उससे. तो चेयर से और अच्छा सा एक झूला है जो तन्वी ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया. वो खड़ा ही नहीं हो, किसी को बैठने ही नहीं देने वाली. सुबह भी यही बैठी होगी, उठेंगे तो ऐसा लग रहा है. तो हमने यहाँ पे कैंप फायर भी सेटअप कराई है जो कि हाफ एन आवर में सेटअप हो जाएगी. एंड हमारा डिनर भी हम कैंप फायर के साथ ही करेंगे. तो अब सीधा फ्रेश हो जाते सब लोग, क्योंकि हम सुबह से नहाए नहीं है. ट्रेन में सीधा आके हम नारकंडा के पूरे दिन ट्रैवल करके होटल में आए. तो अब यहाँ फ्रेश हो जाएंगे एंड देन नीचे लेके चलता हूँ आपको.